साइबर समाचार में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबर, कुरियर कंपनी का कार्यपालक बनकर जालसाज ने महिला से 7 लाख रुपए की ठगी की। गुरुग्राम के नशीले पदार्थों से भरे एक अंतर्राष्ट्रीय पार्सल को अस्वीकार करने के बहाने एक कुरियर कंपनी के कार्यकारी के रूप में जालसाज द्वारा महिला से कथित तौर पर लगभग 7 लाख रुपए की ठगी की गई। पीड़िता प्राची ढोके ने अपनी शिकायत में कहा कि उसे एक कुरियर कंपनी के ग्राहक सेवा कार्यकारी के रूप में प्रस्तुत करने वाले एक व्यक्ति का फोन आया। रिपोर्ट के अनुसार उस व्यक्ति ने बताया उनके नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पार्सल आया है जिसमें 2 पासपोर्ट, 5 ATM कार्ड, 300 ग्राम चरस और एक लैपटॉप पाए गए हैं और उस वजह से पार्सल को अस्वीकार कर दिया गया है। जब प्राची ने उस व्यक्ति को बताया कि पार्सल उनका नहीं है तो कॉलर ने उनसे पुलिस में शिकायत दर्ज करने का आग्रह किया क्योंकि उनके आधार कार्ड का दुरुपयोग किया गया है। इसके बाद कॉलर ने मुंबई पुलिस के एक अधिकारी के रूप में एक व्यक्ति को कॉल ट्रांसफर कर दिया जिसने उसे बताया उनकी आईडी का मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने प्राची को यह बताते हुए जांच में मदद करने के लिए कहा। अधिकारी ने कहा कि मदद के लिए उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि वह इस मामले में शामिल नहीं है। जालसाजों ने RBI से जांच कराने के बहाने महिला से 95,499 रुपए ट्रांसफर करने को कहा। जालसाज ने पीड़ित महिला से सिक्योरिटी डिपॉजिट और जांच के नाम पर 4 ट्रांजैक्शन में कुल 6,93,437 रुपए 50 पैसे ट्रांसफर करवाए। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ शुक्रवार को साइबर क्राइम पूर्वी थाने में धोखाधड़ी की धारा 419 और 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है।